उन सहित आसपास के अंचल भर में सोमवार को गणगौर पर्व की धूम रही। इस दौरान माता को रथों में सवार कर घरों में अतिथि के रूप में लाया गया। चैत्र माह की तृतीया तिथि गणगौर पूजन के रूप में जानी जाती है। इस दिन पूरे निमाड़ में मां गणगौर का पूजन अर्चन किया जाता है। सोमवार को उन सहित आसपास के गांव में माता रूपी ज्वारों के पूजन के साथ 3 दिवसीय गणगौर पर्व की शुरुआत हुई। इस दौरान सोमवार अल सुबह से माता की बाड़ियों को दर्शन एवं पूजन के लिए खोला गया। मनोरथियों द्वारा माता का पूजन कर ज्वारा स्वरूपों को अपने घरों में लाया गया। गली मोहल्लों में माता के झालरिये गीतों की गूंज सुनने को मिली। वहीं बच्चों एवं युवाओं की टोलियों के द्वारा फूल पाती खेलते हुए पर्व में हिस्सा लिया गया। उनमें इस बार 2 दिनों तक माता की बोड़ाई होगी। प्रथम दिन ग्राम की उषा शंभु सिंह वर्मा परिवार द्वारा पूरे गांव के रथों की बोड़ाई की जाएगी। दूसरे दिन के मनोरथी पाटीदार गणगौर युवा मंडल रहेंगे। बता दें कि पिछले 2 साल के बाद अंचल में गणगौर पर्व पर को धूमधाम से मनाया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल के कारण इस पर्व में फीकापन ही देखने को मिला था। उनसे दिनेश दसौंधी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।